संभालो अपने आप, मुझे पता है इस वक्त तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन ट्रस्ट मी सब ठीक हो जाएगा। कैसे आदित्य, कैसे ठीक होगा सब कुछ? कुछ ठीक नहीं होगा। अब अपने अब्बू को छोड़कर कहां जाए, क्या करें? अब आपने जो हमारे साथ किया है आदित्य, कभी नहीं भूलेंगे। इतनी आसानी से तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब हमसे नफरत करते हैं, हमारी सारी उम्मीदें सब कुछ खत्म हो गया। सोए हम साथ हैं ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ हर काम से हर तकलीफ से बचाऊंगा तुम्हें, हर खुशी हर उम्मीद लौटेगी वापस। कैसे आदित्य, किस हक से आप ये कह रहे हैं हमें? आदित्य कौन लगते हैं हम आपके? क्या रिश्ता है हमारा? सुबह तुम वो जिसने मरने के बाद मुझे दोबारा जीना सिखाया, जोर से गिरने के बाद दोबारा उठ के विश्वास करना सिखाया, टूटने के बाद प्यार करना सिखाया। सुबह तुम मेरी जरूरत हो, मेरी जिंदगी हो, और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज संभालो अपने आप को और घर चलो। हमारा घर, हमारे अब्बू किस इस तरह कैसे छोड़कर जाए? अब्बू है ना तुम्हारे, तुम्हारी तरह है जिद्दी। इस वक्त वो कुछ नहीं समझेंगे, अपना फैसला नहीं बदलेंगे, खुद अपनी मर्जी से बदलेंगे। इसलिए कह रहा हूं घर चलो। आपके घर आदित्य, कैसे आपकी अम्मी हमारा चेहरा तक देखना बर्दाश्त नहीं करती आदित्य? जैसे तुम्हारे अब्बू मेरा चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं जैसे कि माँ मुझसे प्यार करती है। घर चलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ ने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि वो तुम्हारे अब्बू से हमारी शादी की बात करेंगे। मैंने तब मना कर दिया था क्योंकि आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। सर आपने हमें वापस बुलाया। हाँ गाइस, प्लीज जल्द से जल्द ये सब कुछ क्लियर कर दो, वी नीड टू डू इट क्विकली। ओके थैंक्स। ओके सर, आई एम सो सॉरी, मैं अभी इसे साफ करवा दूँ, आप प्लीज वहीं खड़े रहिए, आपको लग जाए। अब प्लीज कॉल हाउसकीपिंग। जरूरत नहीं। घर टूट गया, दिल टूट गया, ये तो शीशा था। अब रोने से क्या फायदा? और हम क्या करें वसीम? आखिर जोया की मां है ना हम, दर्द तो होगा।
एक तरफ तो दिल में सुकून कि सुहैया ने अपना मन मार कर अरशद से शादी नहीं की, मगर दूसरी तरफ हमारे दिल में बहुत बेचैनी हो रही है ये सोच के कि आदित्य के घर वाले हमारी सुहैया के साथ क्या सलूक करेंगे। आदित्य की मां अंजना होटा तो हमारी सोया को एक नजर देखती भी नहीं, न जाने मेरी बच्ची को कितने और ताने सहने पड़ेंगे। जितनी उनकी किस्मत में लिखा होगा यार, प्लीज लीव, मैं बाकी का सब संभालूंगा। आंटी जोया सिर्फ मेरी होने वाली भाभी नहीं, आंटी वो सबसे पहले मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ उसका होने वाला देवर नहीं हूं, आंटी मैं उसका भाई हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हमेशा जोया के साथ खड़ा रहूंगा। आप मुझ पर यकीन करिए या ना करें, आप मेरे भाई के प्यार पर यकीन जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए भाई सुहा का साथ नहीं छोड़ेंगे। अम्मी, हम भी अर्जुन की इस बात से सहमत करते हैं, उस घर में हमारे अपने का कोई साथ दे या ना दे, पर आदित्य कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो अपने प्यार से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। यश ने तो आपको एक बार धोखा दिया था ना सोया, लेकिन आपने अपने आप को दो बार धोखा दिया। बेटा, हम अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। जो है वो तुम्हारी आंखों के नीचे क्या गिरी हुई पलक, अरे एक लो अपना हाथ दो, विश मांगनी कोई विश, क्योंकि हम जो मांगे वो कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं विश मांगू? प्लीज भगवान, जोया के चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट लाने में, खुशियां लाने में मेरी मदद कीजिए। आई होप मैं जोया को उस तरह की बेपनाह मोहब्बत दे पाऊं जिसकी वो हकदार है।
उस तरह की प्यार भरी शादी दे पाऊं जिसकी वो हकदार है, और उतनी ही शिद्दत से प्यार और दोस्ती दोनों निभा पाऊं जिसकी वो हकदार है। बहुत सारी विश मांगी, सारी कैसे बताऊं? अच्छा, जैसे जैसे पूरी होती जाएगी बताता जाऊंगा। पहली पूरी हो गई। अम्मी, क्या हुआ? नूर, नूर बेटा, तुम्हारे अब्बू ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। कब से खटखटा रहे, कोई जवाब भी नहीं आ रहा। बाहर उनकी बीपी की दवाई का मत हो चुका है, वो कहीं उनको कुछ हो ना क्या? अम्मी आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं। अब्बू, अब्बू, अब्बू आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ हमें? हाँ, बीपी की दवा वो हम खा लेते हैं। आपको क्या लग रहा? जोया के लिए मरने मिटने के दिन गए हमारे रोशन। उनकी वजह से हम अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचाने वाले। क्या कर रहे हैं? अप्पे की सारी तस्वीरें क्यों हटा रहे हैं? जो शख्स इस घर में नहीं है, इस परिवार में नहीं है, उसकी तस्वीरों का भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं। वसीम, ये सब करने से क्या जोया हमारी बेटी नहीं रहेगी? आपको हो क्या गया? हम समझते हैं आपको गुस्सा आया हुआ है, मगर ये सब करना तो सही नहीं है। और जोया ने जो किया वो क्या सही था? बड़े बरादरी के सामने ये सब की धज्जियां उड़ा दी हमारे। तो जहां तक ये गुस्से का सवाल है ना रोशनक, गुस्सा उससे होते हैं जिसके साथ हमारे जज्बात जुड़े होते हैं। जोया के साथ ऐसी कोई बात नहीं, ना तो उनसे प्यार है, ना कोई दुख की बात है, मुझे इस बात ही नहीं। अब वो आप क्या बोले जा रहे हैं? और एक बात अपने जहन में बिठा लें, इस घर में आज से हमारी सिर्फ एक ही बेटी, हमारी नूर सिद्दीकी। बस, और हम नहीं चाहते हैं इस जोया सिद्दीकी नाम की लड़की का कोई भी साया हमारी इस बेटी पर पड़े। ऐसा मत कहिए। अरे भाई, बीपी की गोली तो खानी रह गई, वो अभी हम जाके खा लेते हैं। और खाना भी तो खाना रह गया ना हमारा, तब तक आप इन्हें ठिकाना लगा दें। हमारे साथ रहेंगी इसी घर में, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको।
क्या बात है, आज भगवान को कुछ ज्यादा ही याद नहीं किया जा रहा। आज तो भगवान को जितना थैंक यू कहूं उतना कम है। रियली? क्योंकि आज मेरे आंखों का कांटा मेरे आंखों के तारे की जिंदगी से हमेशा के लिए जाने वाला है। आप समझे नहीं? मैं जोया की बात कर रही हूं। आज उसकी शादी है ना, अब तक तो जोया मिसेस अरशद हबीब बन चुकी होगी। तभी मैं कहूं इस वक्त ये थाली आरती। ये तो मैं गणेश पंडाल जा रही हूँ गणपति की आरती करने के लिए। आखिर मेरे विघ्नहर्ता ने मेरे बेटे की जिंदगी से सारे विघ्न जो हटा दिए। अर्जुन आ गया तू? आदि कहाँ है? माँ मेरे दिल ने आवाज दी और मेरा बेटा वापस आ गया। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे को एक नया जीवन दान दिया। माँ माँ का दिल है ना, जानती थी मेरा बेटा मेरे पास ही वापस आएगा। माँ अब जब तू आ गया है तो अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। आदि वो जोया की शादी हो गई ना? तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जोया की शादी हो गई ना? जोया की शादी हो गई ना? जोया की शादी अगर किसी से होगी तो मुझसे। क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं इसे प्यार करता हूँ माँ। इसलिए तू इसे यहाँ लेकर आ गया? लोग क्या कहेंगे? हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है लोगों की परवाह नहीं है तुझे, पर अपनी माँ की तो परवाह है ना। फंसा दिया ना मेरी बेटी को, यही चाहती थी ना तू? प्लीज जोया से कुछ मत कहिए, उसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। माँ हम दोनों को पहले ही बहुत वक्त लगा है अपनी फीलिंग्स को समझने में, एक्सेप्ट करने में। आप प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे कितना बोला है तू, ये नाटक कर रही है तेरे साथ। हाँ? पता है इसने ये सब क्यों किया?
क्योंकि ये सिर्फ हुडा हाउस के ऐशो आराम चाहती है, इसीलिए इसने तुझसे दोस्ती की, तुझसे नजदीकियां बढ़ाई और ये सारा रास लीला रचा। फिर बीच में अर्शद का एंगल भी लेकर आई ताकि तुझे जलन हो। तुम क्यों नहीं समझ रहे भाती, इसने तुझे कितना टॉर्चर किया, कितनी तकलीफ सही तूने इसके लिए, यहाँ तक कि अपनी शादी में इसने तुझे इवेंट मैनेजर बना दिया। तुम क्यों नहीं समझता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चुप रहो तुम, जस्ट शट अप। हमारी बात सुने प्लीज, हम सच कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम भी आदित्य से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो हमसे प्यार करते हैं। बस हम मानते हैं कि हमें ये समझने में थोड़ी सी देर हो गई और उस वजह से ये सब हो गया। मेरे सामने तो तुम ये नाटक मत करो, समझी? बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारा ये सब प्लानिंग। सारी दुनिया के सामने अर्शद को छोड़ के आदि को अपना लिया ताकि मेरा बेटा तुम्हारे पीछे और पागल हो जाए। बस मां, बस बहुत हो गया। अगर आपकी नजर में हमारा प्यार गलत है तो ये गलती हम दोनों से हुई है, हम दोनों गुनाहगार हैं। तो आप सिर्फ जोया को क्यों कह रही हैं? जोया ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने बोला है। जोया ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने दुखाया है। जोया ने कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। माँ, कभी किसी को हर्ट नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो अर्शद का क्या? बस यूं ही सबके सामने उसका हाथ छोड़ के तेरा हाथ पकड़ के टहलते टहलते आ गई हुडा हाउस, इसका क्या मतलब है आदि? इसका मतलब कि जोया मुझसे प्यार करती है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.